हेलो गाइस, आज मैं आपको एक आसान तरीका सिखा देता हूँ कि आप कैसे अपनी एप्लीकेशन बगैर जेलब्रेक के अपने आईफोन में इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तीन चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेगा। आईटून जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल नहीं हो, आपको डायरेक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए, मैंने इसको इस पर क्लिक किया और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और दूसरा, आपको आईक्लाउड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आईक्लाउड भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। और तीसरा जो है, ये अल्ट सर्वर्स बीटा, ये डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये भी मैंने डाउनलोड किया है। देखिए, मैंने ऑलरेडी मैं इसको अभी डाउनलोड कर देता हूँ। तो ये डाउनलोड हुआ और अभी मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो पासवर्ड ये है इनका, तो आप इसको कॉपी करेंगे आसानी से और फिर इधर पेस्ट करेंगे। तो ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको मिनिमाइज करेंगे, फिर आईक्लाउड को इंस्टॉल करेंगे। ये क्लाउड आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती, वो ट्विक जो आप सफारी से इंस्टॉल करते हैं, तो ये आसानी से इंस्टॉल करवा देते हैं। ये देखो, आई क्लाउड इंस्टॉल हो गया। और आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्टार्ट के बगैर ये काम नहीं करता। तो हम रिस्टार्ट के बाद आते हैं। तो रिस्टार्ट के बाद आई क्लाउड को साइन इन करेंगे। आईक्लाउड को साइन इन करने के बाद इसको मिनिमाइज करेंगे और अपना मोबाइल पीसी से कनेक्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, देखिए। और इसका मैंने कनेक्ट किया और फिर ये इस पर राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन और यस, और यहाँ ये निशान आ जाएगा। ये इस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल एप्स टू आईफोन और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एप्पल का दे देंगे। और फिर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। तो ये मोबाइल पर यह आ जाएगा। अब हम इनको ओपन करेंगे
और सीटिंग में जाएंगे, और साइन अगर ये भी ग्राउंड रिफ्रेश ऑन है तो इसको आप करेंगे और साइन इन करेंगे। तो मैं इसको साइन कर देता हूँ। अभी ये साइन इन होने वाला है, ये साइन इन हो गया। और अभी हम डायरेक्ट सफारी पर जाएंगे और iOS निंजा से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। ये मैं डाउनलोड कर देता हूँ, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये अभी हम इसको ओपन करेंगे और इसको कॉपी टू अल स्टोर से ओपन करेंगे। मैंने इसको ओपन किया, अभी देखिए ये इंस्टॉल होने वाला है। और अपना मोबाइल डिस्कनेक्ट मत कर दीजिए, अगर आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। फिर अभी देखिए ये इंस्टॉल होने वाला है, तो देखिए ये डायरेक्ट आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर आ जाएगा जैसे ही इंस्टॉल होगा। अगर कोई मसला हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। देखिए ये इंस्टॉल हो गया और अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए ये इधर इंस्टॉल हो गया। देखिए अभी आप देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन आप आसानी से इंस्टॉल करवा सकते हैं।